टी सीरीज के बाद अब इस पाकिस्तानी सिंगर को लेकर सलमान खान ने लिया ये बड़ा फैसला। 14 फरवरी को हमेशा ही काले दिवस के रूप में याद किया जाएगा। इस दिन जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सीआरपीएफ जवानों पर हुए आतंकी हमले ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। इस हमले के बाद देश भर में आक्रोश भरा हुआ है। देश का हर नागरिक इस बात की निंदा कर रहा है, फिर चाहे वो कोई आम जनता हो या फिर कोई सेलेब्स हो। इसके साथ ही कई लोग आगे बढ़कर शहीदों के परिवार को आर्थिक मदद भी दे रहे हैं। वहीं अब कोई भी पाकिस्तान से जुड़े कलाकारों के साथ काम नहीं करना चाहता है। इसी क्रम में सबसे पहले टी सीरीज कंपनी ने पहले पाकिस्तानी सिंगर राहत फतेह अली खान और आतिफ असलम के गाने को यूट्यूब चैनल से अनलिस्ट कर दिया था। वहीं अब सलमान खान ने भी आतिफ असलम को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। टी सीरीज कंपनी के मालिक भूषण कुमार के बाद पाकिस्तानी सिंगर आतिफ असलम के लेकर सलमान खान ने एक बड़ा कदम उठाया है। सलमान ने भी अपना विरोध जताते हुए अपनी फिल्म से आतिफ असलम का गाया हुआ गाना हटा दिया है। एक वेबसाइट के मुताबिक सलमान ने फिल्म नोटबुक के निर्देशकों को आदेश देते हुए गाना हटाने के लिए कहा है। हालांकि अभी तक इस बात को लेकर कोई ऑफिशियल जानकारी सामने नहीं आई है। आपको बता दें कि फिल्म नोटबुक सलमान खान ने प्रोडक्शन हाउस में बन रही थी। सूत्रों की माने तो फिल्म मेकर्स फिर से उन गानों को रिकॉर्डिंग करेंगे जिन्हें पहले आतिफ असलम ने गाया था। एक दो दिनों में तक ये काम पूरा भी हो जाएगा। फिल्म नोटबुक से मोहनीश बहल की बेटी प्रनूतन और जहीर इकबाल अपने एक्टिंग कैरियर की शुरुआत कर रहे हैं। ये फिल्म मार्च तक रिलीज होगी।